न्यायसंगत अधिकार दिलाने की मांग को लेकर आईटीआई में कार्यरत नियमित प्रशिक्षण अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कहा हमारी मांगे जायज है। छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आईटीआई कर्मचारी अधिकारी संघ के बैनर तले बुधवार को बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारियों ने दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2013 में भाजपा शासन में विभाग में नियमित प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती हुई थी। प्रशिक्षण अधिकारी 11 वर्षों से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बखूबी कर रहे हैं, परंतु विभाग में कार्यरत अराजक तत्वों द्वारा समय समय पर भर्ती को रद्द करने का प्रयास किया जाता रहा है, जिस पर विभाग की शिकायत लोकायोग और माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है, जिसमें उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद 8 वर्षों बाद परिवीक्षा अवधि समाप्त की गई, परंतु शासन बदलते ही अधिकारियों द्वारा पुनः कर्मचारियों को नोटिस थमा दिया गया और सभी लाभ जैसे ट्रेनिंग, परिवीक्षा अवधि, समयमान, प्रमोशन आदि से वंचित भी कर दिया गया, जिस पर न्याय की गुहार लगाने, ज्ञापन सौंपने की बातें शामिल लोगों ने कही। सर, आईटीआई के सब प्रशिक्षण अधिकारी हैं जो यहाँ आए हैं, आज 11 वर्ष हम लोग की सर्विस को हो गए हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को ना तो प्रमोशन दिया गया है, ना समयमान मिला है, हमें हमारे बीच के कुछ लोगों की परिवीक्षा अवधि भी अभी तक क्लियर नहीं की गई है सर, और ऊपर से हमारे ऊपर कई बार केस हुआ जिसमें हम लोग सफल हुए हैं, उसके बाद भी विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही जा रही है, तो उसी का विरोध करने के लिए आज हम लोग यहाँ सब एकत्रित हुए हैं सर। सर, हम लोग चाहते हैं कि हमने अपने हाई कोर्ट से कई बार केस जीत लिया है सर, और हमारी जितने भी हमारे ऊपर जो दोषारोपण थे सारे क्लियर हो गए हैं, तो अब हम चाहते हैं कि जैसा कि विभाग का जो प्रमोशन का जो भी नियम है उस नियम के तहत हम लोग को हमारा प्रमोशन ड्यू है वो किया जाए, 10 वर्ष के बाद समयमान वेतनमान मिलता है हमें वो दिया जाए, और हमारे बीच के जो लोगों की परिवीक्षा अवधि क्लियर नहीं है उनकी परिवीक्षा अवधि क्लियर करके उन्हें भी आगे का जो भी लाभ है वो दिया जाए। 2013 में भाजपा सरकार के द्वारा किया गया था, जिसमें 723 पदों की भर्ती का विज्ञापन आया था और इसमें कम से कम 510 लगभग 510 प्रशिक्षण अधिकारियों की भर्ती हुई है। इसमें योग्यता जो है आईटीआई डिग्री, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक तीनों मांगा गया था, तो इसमें से कुछ साथियों का डिग्री में धारी हैं, कुछ आईटीआई धारी हैं और कुछ डिप्लोमा धारी है, तो इनका सबका अलग अलग प्रमोशन चैनल बनाया गया था, जिसमें डिग्री वालों को 6 वर्ष में देना था और डिप्लोमा वालों को 7 वर्ष में, आईटीआई वालों को 8 वर्ष में पदोन्नति देना चाहिए था, लेकिन आज दिनांक तक हम लोगों का पदोन्नति नहीं दिया गया है। और इस संबंध में जब हमारे 50 प्रशिक्षण अधिकारी जो डिग्री और आईटीआई दोनों वाले हैं उसमें जब न्यायालय में गए थे तो न्यायालय से निर्णय आया था कि इनका प्रमोशन दिया जाए, तो उसके एवज में हमारे विभाग के द्वारा इनका बोला गया कि हमारा रोस्टर गलत है, भर्ती गलत हुआ है, कहकर कारण बताओ नोटिस दिया गया और नौकरी से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया। तो उसके अगेंस्ट में फिर हम लोगों ने जो हमारे 50 प्रशिक्षण अधिकारी हैं फिर से हाई कोर्ट गए, तो वहाँ पर उनको एकल बेंच और दुई बेंच, दोनों बेंच में उनको सफलता मिली, दोनों में वो विजय हुए। फिर भी अब जो हमारा विभाग जो है SLP दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है, इसी को विरोध करने के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और हमारी सारी मांगे हैं और बहुत सारी मांगे जैसे हमारे कुछ प्रशिक्षण अधिकारी हैं। आज छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI जो क्लास 3 से संबंध है, प्रदेश के निर्णय अनुसार आज पूरे छत्तीसगढ़ में प्रत्येक जिले में ITI के कर्मचारियों के द्वारा अपने विभिन्न मांगों को लेकर के आज ज्ञापन दिया गया, जिसमें प्रमुख रूप से हमारे ITI के जो कर्मचारी साथी हैं जो 11-12 साल से पदस्थ हैं, जिनकी परीक्षा अवधि समाप्त नहीं की गई है, ना ही इनकी भर्ती नियम बनाया गया है और ना ही टाइम पे स्केल दिया जा रहा है, इनकी भर्ती की कोई नियम नहीं बनाने की वजह से कर्मचारियों में पदोन्नति की जो रास्ता है वो रुक गई है, न्यायालयीन प्रक्रिया में बाधित करके इन कर्मचारियों को पदोन्नति से, समयमान वेतनमान से वंचित किया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य को लेकर के आज पूरे ITI के कर्मचारी साथी यहाँ पर आज ज्ञापन देने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे करके मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिए हैं और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से न्याय की अपील की है। आगे का रूपरेखा प्रांतीय बैठक में इनके जैसे निर्णय होते उसके हिसाब से फिर अगली रूपरेखा तय की जाएगी। ACN News के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।